हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लर्निंग कर्व। जिदा कि अपनी हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं तुम्हारी बैच च, आई होप तुसी सारी पुरानी क्लासेस अपनी रिवाइज़ कर रहे होवोगे। तो जल्द ही आप उम्मीद कर सकते हैं कि पटवारी की नोटिफिकेशन आए, क्योंकि कल ही आप एक न्यूज़ पर मैं पैम्फलेट पढ़ रहा सी, उन्दे विच लिखा हुआ सी प्रक्रिया जी है शुरू हो चुकी है। ठीक है, कि आप उम्मीद करते हैं कमिंग मंथ अक्टूबर तिकर आप नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो अपनी तैयारी है हुण तुसी आपदे बहुत ही वधिया तरीके नाल शुरू कर दो। ठीक है, हुण आपां ज़्यादा समा नहीं बर्बाद करते हुए आप अपना नैक्सट लैक्चर शुरू करते हैं। अपनी आई थिंक अज हिस्टरी की 10th क्लास है। ठीक है, मॉडर्न हिस्टरी की अपनी 10th क्लास है। तो लास्ट क्लास आप की किया मैनू लास्ट क्लास आप रिवाइज़ किया मैकले बारे, लॉर्ड विलियम बेंटिक बारे। ठीक है, विलियम बेंटिक ने इत्थे सोशल रिफॉर्मर मनिया गया। मैकलेन नोट आया से इत्थे, उन्हूं इत्थे बेस ऑफ मॉडर्न एजुकेशन मनिया गया। इंग्लिश इंट्रोड्यूस की सी, हालांकि वह खुद इंग्लिश सी। ठीक है, उन्हें इत्थे साइंस मैथ सब कुछ इंग्लिश करता सी, इस करके अज का आपका उस चीज़ का सर इंपैक्ट आप ऑल ओवर इंडिया देख रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया च इंग्लिश जिहड़ा ज़्यादा बोलता, ज़्यादा पढ़िया लिखा मनिया जाता, ज़्यादा मतलब सियाना काइंड ऑफ मनिया जाता। ठीक है, तो इंग्लिश आज डेट इन्नी क्यों इंपोर्टेंस हो गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ माइकल मन्यूट। ठीक है, माइकल मन्यूट करके आप सारा कुछ विलियम बेंटिक बारे पता पढ़िया, ठगी प्रैक्टिस ने बयान की सी, ऐसी कम्युनिटी भी काम किया, मंदिर वड़न नहीं देंगे, इन्हें काम किया, लॉ लैके आया विडो रीमैरिज। ठीक है, विडो रीमैरिज नहीं, विडो सती सिस्टम इन्हें बैन किया, सती सिस्टम कानून पेश किया। ठीक है, आप वो सारा कुछ आप लास्ट क्लास अपनी रिवाइज़ कर चुके हैं चंगी तरह। तो आई होप जे तुसी वो लास्ट लैक्चर नहीं देखा तो उन्हें प्लीज़ देख लेना। आप सारा कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नाल चलते पे हैं। ठीक है, अज का जिहड़ा अपना नैक्सट गवर्नर जनरल होएगा वो होएगा लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, हुण लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलनब्रो, लॉर्ड हार्डिंग वन, ये जिहड़े आएंगे ये इन्नी इंपोर्टेंट नहीं है। हालांकि आप मैं तो तुहानू एक स्टैप अगे ही लैके चल रहा, एक नहीं तो दो स्टैप आप अगे चल रहे, पटवारी च इन्ना डीपली नहीं पुछते हो। ठीक है, हालांकि फिर भी तुहानू मैं करवा रहा ताकि तुहाडी हिस्टरी जिहड़ी मॉडर्न हिस्टरी है वह किसी भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू आए, तो आप कहीं वह एस आई का हो चाहे वह एस एस सी का हो, हिस्टरी इस तो बाहर ना जा सके। ठीक है, पटवारी इन्ना डीप क्वेश्चन कहीं पूछ सकते, उन्होंने तुम्हें पटवारी लवाना है, उन्होंने तुम को एस डी एम मैजिस्ट्रेट नहीं लवाना। ठीक है, उन्होंने पॉलिसी मेकर नहीं लवाना तुम्हें। ठीक है, हले तुम्हें पॉलिसी सिर्फ फॉलो करनी है। हुण अज आप गल करते हैं सब तो पहले लॉर्ड ऑकलैंड बारे। लॉर्ड ऑकलैंड बारे आप गल करते हैं, लॉर्ड ऑकलैंड कदों आता जी, 1836 आता है। ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पीरियड के विच जे गल करिए, एक मिनट, लॉर्ड ऑकलैंड के आप टाइम पीरियड आप गल करिए, तो सब तो पहले इन टाइम पीरियड अफगान जी सी युद्ध होया, एंग्लो अफगान वॉर हुई सी, फस्ट एंग्लो अफगान वॉर हुई सी 1839 तो लैके 1842 तक, फस्ट एंग्लो अफगान वॉर हुई सी। होया की सी एक्चुअली इनका जो कारण है वो अपन पिछों मिलता है 1831-32, जिस वेले महाराजा रणजीत सिंह पंजाब रूल कर रहे होंगे ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया होंगी इस टाइम। ठीक है, रूल कर रही होंगी है, तो उस तो बाद चो जो अफगानिस्तान का रूलर है जिंदा नाम होंगे शाह सूजा दुरानी, शाह सूजा दुरानी वो अफगानिस्तान रूल कर रहा होंगे। होया कि शाह सूजा दुरानी अफगानिस्तान चो कढ़ के किन्ने कढ़िया, दोस्त मुहम्मद नू, उन्हें दोस्त मुहम्मद एक किंग बंदा सी, कबीले का राजा सी, उन्हें शाह सूजा दुरानी कढ़ के खुद गद्दी ते बह जांदा ते अफगान का राजा आपदे आप नू डिकलेयर कर दिंदा है। कौन? दोस्त मुहम्मद। शाह सूजा दुरानी किन्दे को आंदा है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ते महाराजा रणजीत सिंह को। इन्हां विच एक त्रिकोणी संधि होंदी है, ट्राईपार्टी ट्रीटी होंदी है एक, जिंदे विच ये कह दिंदे ने शाह सूजा दुरानी नूं कि असी तैनू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ते महाराजा रणजीत सिंह दुरानी नूं कहिंदे ने कि असी तैनू किंग बनावांगे अफगानिस्तान दा। ठीक है, ये इन्हां विच ट्रीटी साइन होंदी है, तो दोस्त मुहम्मद नूं असी गद्दी चो बाहर मतलब उन्हूं गद्दी तो ला देंगे। तो एक्चुअली होंदा कि दोस्त मुहम्मद का जिहड़ा प्रभाव से इंपैक्ट से वो रशिया वल ज़्यादा से रैदर दैन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये चीज़ नहीं पसंद करती सी, अफगान का जिहड़ा प्रभाव है वह रशिया वल जाए, उन्होंने प्रभाव हमेशा ब्रिटेन वल होना चाहिए। हुण जिवें ही त्रिकोणी संधि साइन होंदी है तो अफगान जिहड़े अफगान वल तुर पैंदे ने कौन? महाराजा रणजीत सिंह की फोर्सिस, सिख फोर्सिस। ठीक है, तो अपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सिस, ये दोनों फोर्सिस खाइबर पास के होंगे होंगे जाते अफगानिस्तान के केटा
केटा जिला आई थिंक है, उत्थे अटैक करते हैं तो दोस्त मम्मद नू हरा देंगे ने, हरा के किनू गद्दी ते बा देंगे ने शाह शुजा दुरानी नू। शाह शुजा दुरानी जिवें ही गद्दी ते बहिंदा है थोड़े टाइम बाद इंदा विद्रोह करना शुरू कर देंगे कुछ कबीले, दोस्त मुहम्मद जिहड़े फेवर च हुंदे ने कबीले वो इंदा विरोध करना शुरू कर देंगे ने शाह शुजा दुरानी का। फिर उस तो बाद होया कि जिहड़े कबीले हुंदे ने वो अपनी रणनीति तैयार करनी शुरू कर देंगे तो गुरीला वारफेयर एक्सपर्ट होंगे ने जिहड़े कबीले होंगे ने जिन्होंने विद्रोह किया शाह शुजा दुरानी अगेंस्ट, वो गुरीला वारफेयर बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे ने तो अटैक कर देंगे ने किन्ने ते अपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सिस ते सिख फोर्सिस ते, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा संख्या च इन्हों मारते हैं गुरीला वारफेयर की रणनीति न जिदा कि आप देखते सर्जिकल स्ट्राइक्स होंगे ये उवें ही गुरीला वारफेयर की नीति सी, ये एक्सपर्ट सी उन्हां च अफगान जिहड़े कबीले के लोग सी ये एक्सपर्ट सी। ते इन्हां दी मौत की जिम्मेवार दा किन्नू मनिया जाता है लॉर्ड ऑकलैंड नू जिम्मेवारी दी जाती है कि तेरे कारण ही इन्ने ब्रिटिश ईस्ट कंपनी की फौज की मृत्यु हुई है, इन्नी सिख फोर्सिस की भी मृत्यु तेरे कारण हुई है, सारी मौत का जिम्मा लॉर्ड ऑकलैंड लग जाता है। फिर लॉर्ड ऑकलैंड तो बाद चो इस प्रॉब्लम नू सोल्व करन आंदा है कौन, लॉर्ड एलनब्रो। लॉर्ड एलनब्रो आएगा 1842 वो आके सब तो पहला अफगान प्रॉब्लम सोल्व करेगा। अफगान प्रॉब्लम इस तरह सोल्व करेगा वो ट्रीटी साइन कर लेंदा किन्दे नाल, दोस्त मुहम्मद नाल। शाह शुजा दुरानी नू गद्दी तो ला देंदा है, दोस्त मुहम्मद नू गद्दी ते बा देंदा है, ट्रीटी साइन हुंदी है, दोस्त मुहम्मद नू कहिंदे दोस्त मुहम्मद अगों वादा करदा है कि मेरा हमेशा इंपैक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वल रहेगा, मेरा इंपैक्ट कभी भी रशिया वल नहीं जाएगा। अगर रशिया का इंपैक्ट अज हो जाता उस टाइम पर, अगर हो जाता रशिया का इंपैक्ट ऑन अफगानिस्तान तो शायद इतने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रूल करती होंगी, रशिया ही रूल करता होना सी। इस करके अफगान वॉर का बहुत महत्व है। उस तो बाद चो ट्रीटी विच ये भी होंगे कि काबुल दे विच एक ब्रिटिश रेजिडेंट हमेशा लिए बिठा दिता जाता है, लॉर्ड एलनब्रो आके ये प्रॉब्लम सोल्व करता है। ठीक है, अठारह सौ 1836 तो लैके 1842 तक फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर कितने कितने 1838 भी दिता है बट ज़्यादा सही 1839 तो लैके 1842 मनिया गया। ठीक है, ट्रीटी साइन होंदी है महाराजा रणजीत सिंह, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब लॉर्ड ऑकलैंड ते शाह शुजा दुरानी, ये उस टाइम अफगान का किंग होंदा है। 1831 की मैं गल कर रहा, 31-32 जिन्हें ट्रीटी साइन होंगी तो इनू शाह शुजा दुरानी किंग बना देंगे ने, वादा होंगे इस ट्रीटी च। ठीक है, होया कि फिर इस टाइम तो लॉर्ड तो विलियम मैटिक से, वैसे 1839 जो लॉर्ड ऑकलैंड अटैक आपकी फोर्सिस भेज देंद कि लॉर्ड ऑकलैंड आपकी फोर्सिस खाइबर पास के थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो सिख फोर्सिस भेजद तो अटैक करता कि दोस्त मुहम्मद से। दोस्त मुहम्मद ते अटैक कर देंदा है ते उन्हूं गद्दी तो ला के शाह शुजा दुरानी नूं गद्दी ते बा देंदा है। ते जे मेन रीज़न पूछा जाए ना फस्ट एंग्लो अफगान वॉर दा, रिमेन रीज़न ए सी कि रशिया दा ज़्यादा इंपैक्ट हो रहा सी, वो सेंट्रल एशिया ते कब्जा करना चाहता सी ते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये चीज़ नूं पसंद नहीं कर रही सी। होया कि सी फिर
गुरीला वारफेयर छिड़ गई, गुरीला वारफेयर जो दोस्त मोहम्मद के कबीले से उन्होंने विद्रोह करता किंदा शाह सुजा दुरानी का, तो बहुत ही ज़्यादा भारी नुकसान पहुँचाया किनू, सिख की फोर्सिज न, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सिज न, बहुत ही ज़्यादा उसे डैथ सक्कर हो जिंदा जिम्मेवारी किनू चकनी पई सी, लॉर्ड अकलैंड सारा इल्जाम लग्या सी। लॉर्ड अकलैंड का इल्जाम जो लग्या उस तो बाद चो लॉर्ड एलन ब्राउन इस प्रॉब्लम सोल्व करने लिए भेजा गया से। ठीक है जी, लॉर्ड एलनब्रो ये आके सोल्व कर दे अफगान प्रॉब्लम नू, कॉम्प्रोमाइज कर लेंदा दोस्त मोहम्मद नाल, ठीक है। एक ब्रिटिश रेजिडेंट हमेशा लिए बिठा दिता जाता है काबुल च, ठीक है। दोस्त मोहम्मद कहता कि हूँ मैं रशिया का साथ नहीं देंगा तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ देंगा, इस तरह शाह सुजा दुर्रानी गद्दी तो हटा देता है तो दोस्त मोहम्मद गद्दी से बाह दिता जाता है, किंग बना दिता जाता है। फिर लॉर्ड एलनब्रो के टाइम च की होया सी, लॉर्ड एलनब्रो के टाइम से यह सब तो पहला इन्होंने सिंध का विलय किया, सिंध नू इनैक्स किया अपने अंदर, ठीक है। सिंध का विलय किवें किया सी आयो आप देखते हैं। सिंध च होया कि सी, सिंध ते आमिर्स रूल करते होंगे ने, सिंध च आमिर्स रूल करते होंगे ने, आमिर्स जिहड़े सी ओह चार ब्रदर सी उन्होंने मिल के वह रूल कर रहे होंगे ने। 1809 च इन्हां दी ट्रीटी साइन होंदी है बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड आमिर्स जिहड़े कि उत्थे रूल कर रहे होंगे ने। उस ट्रीटी के दौरान लॉर्ड मिंटो वन हुंदा है, वो अपना गवर्नर जनरल। उस ट्रीटी की हुंदा है कि जेडे पोर्ट्स है बंदरगाहां ने उत्थे फ्रेंच नू कोई अनुमति नहीं होएगी, ठीक है, वो यूजली नहीं दित्ती जाणगियां, तो फ्रेंच नाल कोई बिजनेस नहीं किया जाएगा। वो 1809 की ट्रीटी हुंदा है सब तो पहले, ठीक है। 1809 की ट्रीटी बिटवीन आमिर्स एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कि फ्रेंच नू अवॉयड करना है तुसी, ठीक है, फ्रेंच नू अवॉयड करना है। तो फिर 1820 च एक ट्रीटी होंदी है बिटवीन आमिर्स एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इन अमेरिकन नू भी अवॉयड करना है, अमेरिकन नू कोई बिजनेस नहीं करना, कोई उन्होंने बंदे जॉब तो नहीं पाने, ठीक है। 1820 फिर ट्रीटी साइन होंदी है। फिर हुंदा की है 1843 च चार्ल्स जेम्स नेपियर आंदा है, ठीक है। 1843 च लॉर्ड एलनब्रो चार्ल्स जेम्स नेपियर नू भेजदा है सिंध का चंगी तरह विलय करन, सिंध नू कैप्चर करन लई चार्ल्स जेम्स नेपियर। ए प्रॉपरली सिंध नू अनैक्स करेगा, ठीक है, चार्ल्स जेम्स नेपियर, ठीक है। इनू 1843 इनू कहते 1843 इन्हें सिंध नू अनैक्स किया सी, ते इनू शामिल किया सी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी च, ते फिर सारी शर्तें इत्थे भी लागू हो जाती हैं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के होर स्टेट्स लागू होती हैं, ठीक है जी। चार्ल्स जेम्स नेपियर नू सिंध का विलय किया सी लॉर्ड एलनब्रो के टाइम, एलनब्रो इन्ना इंपोर्टेंट नहीं है, बस इन टाइम से एक तो अफगान वॉर तुम दसी सी जिहड़ा उनका सोल्यूशन कढ़िया सी, एक सिंध नू अनैक्स किया सी इत्थे अपने
अंडर करता से हुण सिंध दे कैप्चर करन नाल ब्रिटिश ईस्टर्न कंपनी का राह थोड़ा जहा सौखा हो गया से किंदा अफगानिस्तान का क्योंकि हुण सिंध तक कब्जा हो गया से ब्रिटिश ईस्टर्न कंपनी का। तुहानू मैं दस्सिया सी थोड़ा महाराजा रणजीत सिंह बारे लास्ट टू लास्ट क्लास च। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म कदों हुंदा है? महाराजा रणजीत सिंह का जन्म हुंदा है 13 नवंबर 1780 च, 13 नवंबर 1780 च। महाराजा रणजीत सिंह की डैथ कदों हुंदी? 27 जून 1839 ठीक है। 12 साल दी हुंदे जदों इहनां दे फादर साहब महा सिंह हुंदे जिहनां नाम हुंदा है उहनां दी डैथ हो जांदी है ते इहनां नूं शुक्र चक्किया मिसल का प्रधान बना दिता जांदा, इंचार्ज बना दिता जांदा है। ते इह उस तों बाद चों 12 साल ਉਹ ਆਪਣੇ 1712 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1792 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1801 ਤੀਕਰ ਇਹ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਚਾਰਜ ਆਫ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕਿਆ ਮਿਸਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਐਮਪਾਇਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ 1839 ਤੀਕਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਯੋਗਯ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਯ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇੱਕ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1801-2 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਤੋਂ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। 1801-2 'ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਤੋਂ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਲਸ਼ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 8 ਵਾਈਫ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਸਟ ਫੇਮਸ ਵਾਈਫ ਸੀ ਉਹ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਮੋਸਟ ਫੇਮਸ ਵਾਈਫ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਣੀ ਬਾਂਸੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਈਫ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਸਟ ਫੇਮਸ ਵਾਈਫ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਟਾਈਟਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਗ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਲੋਰਡ ਆਫ 5 ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰੇ ਵੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 5 ਜਾਂ 6 ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਫ ਲਾਹੌਰ, ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ, ਸਰਕਾਰੇ ਵੱਲਾ, ਲੋਰਡ ਆਫ 5 ਰਿਵਰਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇਹ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵੈਨਿਊ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਮੀਰ ਦੀਵਾਨ, ਮੀਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵੈਨਿਊ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸਿਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸਿਸ 'ਚ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਵਿਤਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੋਈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਕਲਾਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਲੋਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗੇ ਵਨ। ਲੋਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗੇ ਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਅਫਗਾਨ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੋਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗੇ ਵਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਲੋਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗੇ ਵਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਅਫਗਾਨ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਅਫਗਾਨ ਨਹੀਂ, ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਡਿਫੀਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ठीक है, ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई सी, ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई सी, ननिहाल सिंह उदों रूल कर रहे होंदे, सारी शर्तां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लागू करवातियां सी इहदे 'च। ठीक है, सिर्फ ते सिर्फ ये सी कि हुण इन्हां नूं हड़प्या नहीं सी, एक्चुअली इन्हां ने कैप्चर नहीं किया सी, इन्हां दा शासन सिक्स को ही रहन दिता सी। मतलब कि कहन दा भाव ननिहाल सिंह नूं ये जिहड़ी शर्तां सी, एक तां ब्रिटिश रेजिडेंट उत्थे एक बार दिता गया सी पंजाब 'च। ठीक है, ते हुण इनडायरैक्टली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही सी, डायरैक्टली नहीं, डायरैक्टली रूल करेगी 1859 जो सैकेंड एंग्लो सिख वॉर होएगी। ठीक है, ननिहाल सिंह सी, इस तो बाद शेर सिंह आएगा, शेर सिंह आके विद्रोह करेगा कि असीं तुहाडी कोई शर्त नहीं मानते, ट्रिटी ऑफ लाहौर नूं मैं नहीं मानता। शेर सिंह आएगा तो फिर उन्हें भी अटैक करवा दिया जाता है, एंग्लो सिख वॉर होएगी उदों भी। ठीक है, इस लॉर्ड हार्डिंग के वन के टाइम पीरियड 1844 तो लैके 1848 तक। ठीक है, इन्हें टाइम पीरियड फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर ही हुई सी। हुण जिहड़ा नैक्सट गवर्नर जनरल है ना, ये एक्चुअली तुहानूं मैं दस्सिया इन्ने इंपोर्टेंट नहीं है, ना इन्हां 'च क्वेश्चन आउंदे ने, बस इन्ना जरूर आख लैना कि फस्ट एंग्लो अफगान वॉर कदों हुई सी, एंग्लो सिख वॉर कदों हुई सी, ट्रीटी कि साइन हुई सी, ये सब कुछ इंपोर्टेंट है। हुण जिहड़ा नैक्सट गवर्नर जनरल है मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो कि है लॉर्ड डलहौसी, बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है। लॉर्ड डलहौसी 1848 तो लेके 1856 तक इन्हें रोल किया, ये अपनी रिफॉर्म्स ते कंस्ट्रक्शन लिए बड़ा मशहूर से। ये अपने रिफॉर्म्स ते कंस्ट्रक्शन लिए मशहूर बहुत ज़्यादा सी, ते सब तो पहले तो इन्हें टाइम पीरियड 1849 च सैकेंड सैकेंड एंग्लो सिख वॉर हुई सी 1849 च, जो दलीप सिंह नाम के दादा सी एच रूल उनकी मदर कर रहे सी जिंद कौर। दलीप सिंह बहुत छोटा होंदा है तो इनू भेज दिता जाता है इंग्लैंड च पेंशनर बना के। ठीक है, तो रानी जिंद कौर नू कैद कर दिता जाता है। ठीक है, तो पंजाब नू अनैक्स कर दिता जाता, कैप्चर कर दिता जाता है। हुण पंजाब ते किहदा कब्जा हो गया सी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ते दलीप सिंह को तुहानूं पता है रानी विक्टोरिया नूं तुहानूं दस्सिया सी गिफ्ट करवा देंगे कोहिनूर द हीरा। ठीक है, उस तो बाद चो डलहौसी की नैक्सट गल करते हैं, इन्हीं सी पॉलिसी ऑफ एनैक्सेशन, बहुत मशहूर हुई पॉलिसी ऑफ एनैक्सेशन। होया किसी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन च, ये स्टेट्स नू अपने कब्जे च करना चाहता सी बाय पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन च हुंदा की सी, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन च एक्चुअली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये तीन तरह के तरीके नाल, ये तीन तरह के तरीके नाल स्टेट्स नू हड़पना चाहता सी। पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन च तीन तरीके सी, तीन टाइप सी। फस्ट वन सी जिहड़ी उह सी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिहड़ी सैकेंड टाइप सी उह सी मिस गवर्नेंस। जिहड़ी थर्ड टाइप सी उह सी जित के कोंकर। हुण डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिहड़ी है तुहानूं पता है इन्नी बहुत मशहूर होई है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तुहानूं पता है कि कोई भी रानी अगर उहदा हसबेंड ही डैथ हो गई है
ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨੇ ਰੂਲ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਪਾਇਰ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ 'ਚ। ਬਟ ਇਹਦੀ ਵੀ ਡੋਕਟ੍ਰਿਨ ਆਫ ਲੈਪਸ 'ਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਗੋਂ। ਤਿੰਨ ਟਾਈਪਸ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਫਰੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਰੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਮੁਗਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਪੇਸ਼ਵਾ ਮੁਗਲਸ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਸੀ ਡੋਕਟ੍ਰਿਨ ਆਫ ਲੈਪਸ 'ਚ। ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਖੁਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਰੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਕੈਨ ਅਡੋਪਟ ਚਾਈਲਡ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਣੀ ਕੈਨ ਅਡੋਪਟ ਚਾਈਲਡ। ਫਿਰ ਪੇਸ਼ਵਾ ਮੁਗਲ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਾ ਰਾਣੀ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਵਿਦ ਦਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਪ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਟੋਨੋਮਸ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਅਗਰ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੈਨ ਨੋਟ ਅਡੋਪਟ ਅ ਚਾਈਲਡ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ। ਡੋਕਟ੍ਰਿਨ ਆਫ ਲੈਪਸ ਥਰਡ ਟਾਈਪ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਅਨੈਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦੋਵਾਂ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਡੋਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਚਾਈਲਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੋਕਟ੍ਰਿਨ ਆਫ ਲੈਪਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਈ ਸੀ ਉਹ ਸੀ 17, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ 17 ਫਸਟ ਸਟੇਟ 1848 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, 1848 'ਚ। ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਈ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਜੈਤਪੁਰ 1848। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਐਵੇਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 7 ਸਟੇਟਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੈਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਥਰਡ ਵਨ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਥਰਡ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਸੰਬਲਪੁਰ। ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਥ ਸਟੇਟ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਵਘਾਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਫਥ ਸਟੇਟ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਉਦੈਪੁਰ, ਫਿਰ 6 ਝਾਂਸੀ ਅਤੇ 7 ਨਾਗਪੁਰ। ਲਾਸਟ ਸਟੇਟ ਡੋਕਟ੍ਰਿਨ ਆਫ ਲੈਪਸ ਜਿਹੜੀ ਹਟਿਆਈ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਨਾਗਪੁਰ 1856 'ਚ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੈਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 1853 'ਚ। ਝਾਂਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਝਾਂਸੀ 'ਚ ਰਾਣੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਬਾਈ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਬਾਈ ਦਾ 3 ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀਕਰਨਿਕਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਛਬੀਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਗਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਖੂਬ ਲੜੀ ਵੋ ਮਰਦਾਨੀ ਸੀ, ਝਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਣੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਬਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੰਗਾਧਰ ਰਾਓ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਇਦ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਸਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾਮੋਦਰ ਰਾਓ, ਬਟ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੰਗਾਧਰ ਰਾਓ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦੇ ਰਾਣੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਬਾਈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾਮੋਦਰ ਰਾਓ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੋਕਟ੍ਰਿਨ ਆਫ ਲੈਪਸ ਥਰਡ ਟਾਈਪ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਝਾਂਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਣੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਬਾਈ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1857 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ
भाग लैणगे रिवोल्ट ऑफ 1857 च। ठीक है जी, ये सत्त स्टेट्स डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू अपने अंडर आईया से। फिर नैक्सट गल करिए मिस गवर्नेंस। मिस गवर्नेंस मतलब जिस शासन कुशासन हो चुका है, मतलब जिथे रूल करना ने रूल बिल्कुल सही तरह नहीं चल रहा, वो सी अवध स्टेट, इन्होंने मिस गवर्नेंस के थ्रू अक्वायर की सी। उत्थे वाजिद अली शाह इत्थे रूल कर रहा होंदा, वाजिद अली शाह बीमार हो जाता तो उनका मुंडा हले कादिर होंदा तो वह बहुत ही ज़्यादा हले छोटी एज होंदा, तो उनकी जिहड़ी वाइफ होंदी है अपने वाजिद अली शाह की वह सी बेगम हज़रत महल। बेगम हज़रत महल इन्हें ते आरोप ला देंगे ने अपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कि इतने मिस गवर्नेंस हो रही है, बेगम हज़रत महल में उत्थे रोल नहीं संभाला जा रहा, तो उन्होंने एक्वायर कर लेंगे ने अवध स्टेट नू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है जी, फिर लास्ट आप गल करी कोंकर जिहड़े जीते सी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वह किवें स्टेट से, उत्ते पंजाब जिहड़े लड़के जीते उन्होंने, एक मिनट होल्ड करना जी। पंजाब 1859 च, ते बराड़, बराड़ स्टेट कित्थे सी, कर्नाटका च। कर्नाटका च सी बराड़, पंजाब ये जित के ये सी इनकी सारी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन किंदी लॉर्ड डलहौजी दी। ठीक है जी, ये सारा इन्हें किवें कीता सिस्टम, स्टेट्स को किवें एक्वायर किया बाय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मिस गवर्नेंस जित के कोंकर। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत भी तीन टाइप से, पहली फ्री स्टेट से जो किसी अंडर नहीं, फिर जो स्टेट पेशवा मुगल से द्वारा एक्वायर किए गए थे तो उन्होंने दे दिए गए ब्रिटिश इंडिया कंपनी, उत्थे भी आप परमिशन लैके अडोप्ट कर सकते चाहे। फिर जो स्टेट्स की होंद ही नहीं हैगी सी, जो बनाई ही ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने सी, तो उत्थे राजे जो रूल कर रहे थे उन्होंने अगर मृत्यु हो जाती सी तो राणी अडोप्ट चाइल्ड नहीं कर सकती सी, उन्होंने तहत फस्ट स्टेट सतारा सी 1848 च इन्होंने एक्वायर कर ली, लास्ट स्टेट नागपुर से, ये याद रख लेना। मिस गवर्नेंस के तहत इन्होंने बेगम हज़रत महल को अवध स्टेट छिनी, कोंकर किया जित के पंजाब जितया, तो बरड़ स्टेट में जितया कर्नाटका च। यह सारा इन्हों की पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन ऑफ लॉर्ड डलहौजी। आओ आप हम अपना नैक्सट काम करें, तुम इन्हें स्क्रीनशॉट लैने का लै सकते जे। फिर हूँ आप काम की गल करते हैं लॉर्ड डलहौजी की। लॉर्ड डलहौजी ने फस्ट रेलवे ट्रेन चलाई से, आपको पता है 16 अप्रैल 1853। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स ने। फस्ट रेलवे ट्रेन चलाई से ने, क्लियर है जी। उनका नाम की सी, डेक्कन ओडिसी। यानू ब्लैक क्वीन भी कहा जाता से। ये फस्ट रेलवे ट्रेन सी, कहिंदे ने इन्हें 400 पसेंजर सी, 3 इंजन सी, 3 इंजन कहड़े सी, साहेब, सिंधु, सुल्तान। क्लियर है जी। फस्ट रेलवे ट्रेन 16 अप्रैल 1853 इन्होंने आपके मकसद लिए चलाई सी, इन्होंने सारा जो समान से वो जाके टोना होंदा सी एक्चुअली, है ना, अपने अपनी ही कंस्ट्रक्शन इन्हें एक्चुअली लॉर्ड डलहौजी ने कंस्ट्रक्शन ते शिपिंग कारपोरेशन लिए बहुत ही ज़्यादा काम किया सी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन च हो गया, रेलवेज लिए इन्हें बहुत काम किया सी, इन्हें बहुत तगड़ा रेलवे का जाल बिछाता से उदों, जिहड़ी इनकी 32 किलोमीटर सी, आपां नूं पता है 32 या कितें 34 दित्ता होया 33 राउंड वन इन्नी सी,
बॉम्बे तो थाने चली सी। ठीक है, बॉम्बे तो थाने चली सी 34 किलोमीटर से, आई थिंक 21 मील सी, 21 माइल्स। ठीक है, तो जो पूछा जाए ना 1800 फर्स्ट रेलवे ट्रेन कदों चली सी, वो चली सी 1825। ओवल और वर्ल्ड में गल कर रहे हैं, इंग्लैंड चली सी, ब्रिटेन च, आई थिंक लंदन टू लिवरपूल सी वो। ठीक है जी, अपन पूछा जाए फर्स्ट लगेज ट्रेन इंडिया कदों चली सी, वो लगेज ट्रेन सी 1851 च। रुड़की च चली सी, उत्तराखंड च है। ठीक है, फर्स्ट लगेज ट्रेन 1851 च चली सी। ठीक है, ऐसा माना गया कि 455 पैसेंजर्स बैठे से इन्हें, फर्स्ट ट्रेन जी डेक्कन ओडेसी सी, इन जी बॉम्बे तो थाने चली सी 16 अप्रैल 1853। ये इन पहला काम आप गल की इन्हें कंस्ट्रक्शन से उनके लिए बहुत काम किए, रेलवेज लिए, शिपिंग कारपोरेशन लिए, सारा माल इंपोर्ट करके इतने आता से उन्होंने अपने सप्लाई करते इंग्लैंड च। फिर आप गल करिए इन्हें टैलीग्राफ लिए बहुत काम किया, फर्स्ट टैलीग्राफ लाइन भी इन्हें चलाई सी। टेलीग्राफ है, टेलीग्राम कह देंगे ने, टेलीग्राफ लाइन चलाई सी 1853 च। जी फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन चली सी वो इंट्रा स्टेट सी, इंट्रा स्टेट मतलब एक ही स्टेट दे विच दो जगह। कोलकाता टू डायमंड हार्बर एक बंदरगाह सी। ठीक है, जी सैकेंड चली सी वो इंटर स्टेट सी, मतलब एक स्टेट तो दूसरी स्टेट। वो सी कैलकाता तो आगरा। फिर थर्ड जी वो भी इंटर स्टेट सी, वो कलकत्ता टू पेशावर। तुसी आप हिसाब ला लो हुण इन्हां ने पूरा जाल बिछाना शुरू करता सी। ठीक है, रेलवेज का, टैलीग्राफ का, फिर हुण आपां नैक्सट गल करांगे। ठीक है, इन्हें टाइम पीरियड से लोड लाओ जी, टाइम पीरियड च फस्ट सैकेंड बर्मीज़ वॉर भी हुई सी। बर्मीज़ मतलब म्यांमार, एंग्लो म्यांमार वॉर हुई सी, जिंदे विच म्यांमार हारिया सी, म्यांमार का किंग थीबा सी। सैकेंड बर्मीज़ वॉर हुई सी, पहली वॉर हुई सी 1824 के टाइम पीरियड च। ठीक है, उदों भी हार गई सी। फिर सैकेंड बर्मीज वॉर च लोअर बर्मा अपर बर्मा दोवां ते आपां इन्हां ने कर लिया सी चंगी तरह कैप्चर। जो थर्ड बर्मीज वॉर होएगी 1885 च होएगी, उस तो बाद 1885 टू 1937 तक इंडिया के कब्जे च रहेंगे, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी च रहेगा म्यांमार। ये टैलीग्राफ लाइन सी जी। फिर नैक्सट गल करते हैं डाक सिस्टम। तुहानू दस्सिया जिहड़ी फस्ट डाक टिकट सी इन्हें चलाई सी 1854 च, मतलब स्टैंप टिकट। ठीक है, फस्ट पोस्ट ऑफिस खोलिया गया सी बॉम्बे च। बाकुला पोस्ट ऑफिस, बॉम्बे च खोलिया गया सी। ठीक है, फिर इन्हें 1854 तो नंबर से इन्हें शिपिंग लिए बहुत काम किया। इन्होंने बंदरगाह बनाई सी, कितने पोर्ट्स बनाए सी, कराची च, मद्रास,
ਤੇ ਬੰਬੇ ਕਲਕੱਤਾ 1854 ਚ ਨੇ ਪੋਰਟਸ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫੋਰ ਦਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗਸ, ਬ੍ਰਿਜਿਸ, ਡੈਮਸ, ਰਿਵਰ, ਉਹਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰੋਡਸ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜਿਸ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹਨੇ ਹੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ 1854 'ਚ ਲੋਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇੰਕ ਭਰਨਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਇਹਨੇ ਵੁੱਡਸ ਡਿਸਪੈਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੁੱਡਸ ਡਿਸਪੈਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਵੁੱਡਸ ਡਿਸਪੈਚ? 1854 'ਚ ਆਏਗਾ। ਵੁੱਡਸ ਡਿਸਪੈਚ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਵੁੱਡਸ ਡਿਸਪੈਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਧਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 1811 'ਚ 1,00,000 ਰੁਪਇਆ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ 1811 ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 'ਚ। ਫਿਰ 1833 ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ 1,00,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਰ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੀਲਡ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮਾਈਕੋਲੇ ਮਨੂਟ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਬੇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਸ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਮਾਈਕੋਲੇ ਮਨੂਟ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮਾਈਕੋਲੇ ਮਨੂਟ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ 1835 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੁੱਡਸ ਡਿਸਪੈਚ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੁੱਡਸ ਡਿਸਪੈਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਸਕੂਲ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਇਨ ਮੇਨ ਸਿਟੀਜ਼। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਨੈਕਸਟ ਸੀ 3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਓਪਨ ਕਿਹਾ ਸੀ 3 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ 'ਚ, ਕਲਕੱਤਾ, ਬੰਬੇ, ਮਦਰਾਸ 'ਚ। ਕੋਲਕਾਤਾ, ਬੰਬੇ, ਮਦਰਾਸ 3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ 10+2 ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੁੱਡਸ ਡਿਸਪੈਚ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੀ 10th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੀ ਵੁੱਡਸ ਡਿਸਪੈਚ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10+2 ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ 12th ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੁੱਡਸ ਡਿਸਪੈਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1855 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ੋਟ ਲੈ ਲਓ। ਇਹਨੇ
मिलिट्री हेडक्वार्टर बनाया कितने? शिमला च। क्लियर है, मिलिट्री हेडक्वार्टर एट शिमला, तो शिमला नू समर कैपिटल बनाता। क्लियर है। फिर ने की नाम है अपन नेक्स्ट गल करिए, आर्टिलरी पॉइंट बनाता कितने? मेरठ च। आर्टिलरी पॉइंट कितने बनाता? मेरठ च। फिर नैक्सट काम से जोड़ा वो से 1856 जोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल काम बन गया जिंदा कारण बनेगा अगे जाके रिवोल्ट ऑफ 1857 का, वो से मैच लॉक गन्स। ठीक है जी, मैच लॉक गन्स ये इनका जोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल काम हो जाएगा अगे जाके, तो वो इनके लिए रिवोल्ट ऑफ 1857 क्रिएट कर देगा। ठीक है, एनफील्ड राइफल्स की गल की सी, उन्हें इन्हें खोया की सी एनफील्ड राइफल्स, उनके इन जे इन मैच लॉक गन से एनफील्ड राइफल से इन काउ ते पिग्स का मास यूज करके उन्होंने गन्स के कैब बनाए गए सी, ग्रीस कार्टेजेस होंगे जेडे उन्हों का मास यूज करके बनाए गए सी, किंदा काउ ते पिग्स लिए। काउ हिंदुआ लिए एक सिंबोलिक है, तो जेडे पिग है वह मुसलमान लिए सिंबोलिक है, तो उन्होंने मना करता सी इस चीज़ को यूज़ कर, इस गन्स में यूज़ कर, तो इनका जो इंपैक्ट पेगा वो सीधा किंदा पेगा 1857 का रिवोल्ट जारी होगा। तो सब तो पहला अपन पता मंगल पांडे जोड़ा सी मेरठ रेजीमेंट च बैरक, वो सब तो पहला इनका विद्रोह करेगा, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 इस तो बाद स्टार्ट होएगा। ठीक है, फिर अपन नैक्सट जो गल करिए, तो उस तो बाद चो इन्हें विडो रीमैरिज ला लैके आया सी, ये इन्हें कानून ही बनाता सी विडो रीमैरिज लॉ, तो इनू फुली सपोर्ट किया सी किन्ने? ईश्वर चंद विद्यासागर ने। ईश्वर चंद विद्यासागर भी अपने इत्थे सोशल रिफॉर्मर रहे ने। ईश्वर चंद विद्यासागर ने भी इस विडो रीमैरिज लॉ की प्रशंसा की सी, तो गल कही सी इन्होंने खुद सोशल रिफॉर्म्स लिए बहुत काम किए, वूमेन एजुकेशन लिए बहुत काम किया, गर्ल्स एजुकेशन लिए बहुत काम किया, विडो रीमैरिज लिए काम किया, खुद इन्होंने एक कह सकते हो विडो नाल मैरिज शादी करवाई सी, तो एग्जाम्पल सैट की सी कि हाँ विडो दे दोबारा तो मैरिज हो सकती है, तो इन्होंने खुद एग्जाम्पल सैट की ईश्वर चंद विद्यासागर जी ने। ठीक है, क्लीयर है। हालांकि ये लॉ जरा 1856 लॉर्ड डलहौजी टाइम से रखा गया से, जरा लागू होया से, लागू कदों होया से? 1856 लॉर्ड कैनिंग के टाइम च इंप्लीमेंट इस टाइम होएगा, लॉर्ड कैनिंग के टाइम च बनया इस टाइम से, लॉर्ड डलहौजी टाइम च। ठीक है, इंप्लीमेंट इदो होएगा, बनया इदो सी। ठीक है, जरा वुड्स डिस्पैच के अंदर 10 यूनिवर्सिटीज़ का प्रावधान से कलकत्ता बॉम्बे मद्रास च, वो भी जोड़ा वुड्स डिस्पैच के प्रावधान है वो रखिया डलहौजी के टाइम से, बट लागू कदों होएगा? कैनिंग के टाइम च। ठीक है जी, क्लीयर है। ये सारा सी अपने डलहौजी बारे। ठीक है, आप सारा अज पढ़िया लॉर्ड ऑकलैंड बारे, एलनब्रो बारे, हार्डिंगे वन बारे, तो डलहौजी बारे। तुहानू आई होप है कि जस्ट तुहानू सारा क्लीयर हो गया होगा चंगी तरह।
हूँ जो अपना नैक्सट लैक्चर होएगा वो सारा कहने तो होएगा हूँ रिवोल्ट ऑफ 1857 की हम क्रांति शुरू हो जा रही है। ठीक है, तो तुसी सारे हुन तकड़े हो जाओ अपने, बस आई थिंक 7 or 8 क्लासेस लगन गया तो अपना जड़ा है मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो जाएगी। हुन अपना जड़ा टाइम पीरियड आई थिंक 100 साल का रह गया, हुन सारे इन गांधीन फेज आएगा, कांग्रेस का फेज आएगा, एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स का फेज आएगा, कि मूवमेंट्स हुई सी उन सारा आप डिस्कस करांगे, झांसी रानी जड़ी सी मंगल पांडे सारा कुछ आप डिस्कस करांगे। ठीक है, तो तुसी प्लीज़ ये शेयर करया करो मैक्सिमम टू मैक्सिमम, तो क्योंकि तुहाडे बहुत ही ज़्यादा असी आप दिलों मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क दे रहे कर रहे हैं पूरा, बट तुसी आप दे एंड तो कमी पेशी करवा रहे हो, कमी पेशी जरूर रह रही है तुहाडे वल्लों, तुसी प्लीज़ इनू मैक्सिमम तो मैक्सिमम शेयर करया करो। इन्ना ही तुहानू अगे साडी जिहड़ी फीस है बस इन्नी ही है कि तुसी मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करो ताकि होर लोगों का भी भला हो सके। ठीक है, टिल दैन तुसी ये सारा कुछ रिवाइज़ करते रहो, आपां तुहानू मिलदे आ नैक्सट क्लास च, टिल दैन टेक केयर।